तो हे बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे एंड अपने अपने घरों में सेफ होगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल के फिर से एक नए फ्रेश ब्लॉग में। एंड अभी आप देख सकते हो हमारे सामने खड़ी हुई है हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। एंड इसका मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। एंड अभी आप देख सकते हो इसका जो व्हाइट कलर है वो हमारे सामने है, जिसका कंपनी ने नाम दिया है पर्ल व्हाइट। आज इसका हम जो है आपको क्विक एक कलर का रिव्यू देने वाले हैं। एंड आपको इस बाइक से रिलेटेड या हीरो किसी बाइक रिलेटेड कोई भी जानकारी की हो, शोरूम की और डिटेल आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रही होगी, तो आप डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हो या दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो पूरी जो बाइक है वो आपको पूरी व्हाइट कलर की पेंट इसकी में मिलती है। यहाँ पे आप फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट में आपको जो है पूरा व्हाइट कलर का इसका जो वाइजर मिलता है। यहाँ पे स्टिकिंग देखने को मिलेगी आपको जो ब्लू कलर की, यहाँ पे आपको DRL, यहाँ पे आपको स्प्लेंडर की जो है ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छी फॉर्म में दी गई है। मडगार्ड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कंपनी आपको पूरा व्हाइट कलर से मडगार्ड देती है। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स के अलावा और जो है कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, सारी चीजें आपको सेम ही मिलती हैं जैसे नॉर्मल हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक में मिलती हैं। यहाँ पे केवल कलर का ही जो है चेंज किया गया है, और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, बट वहां पे क्या होता है ना कि पूरी बाइक ब्लैक कलर की रहती है और ये जो स्टिकर्स होते हैं वो चेंज किए गए हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी जो बाइक है वो व्हाइट कलर से दी गई है। साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखती है हमारी बाइक की, एंड रियर जो है वो ऐसी कुछ दिखती है। साइड प्रोफाइल की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो इसके साइड पैनल्स हैं वो पूरा व्हाइट कलर का देखने को मिलता है। यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस की जो है ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि 3D फॉर्म में दी गई है। एंड उसी के साथ आपको यहाँ पे एक स्टीकर देखने को मिलता है, साथ ही यहाँ पे एक्सटेक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि स्टीकर फॉर्म में दी गई है। एंड काफी सही लग रही है, मतलब देखने में भी और ऐसे भी, क्योंकि व्हाइट कलर जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज्यादा आई कैची होता है। तो जब आप इस बाइक को रोड पे लेके निकलोगे तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखोगे दुनिया से। मतलब थोड़ा सा कलर का भी इफेक्ट पड़ता है यार, ब्लैक और सारे कलर की बाइक तो सब लेके घूमते हैं, लेकिन व्हाइट कलर की बाइक जो है अब आना बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। टैंक की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हो पूरा जो है बड़ा सा एक टैंक दिया जाता है, जो कि 10.5 लीटर के आसपास है, और यहाँ पे आपको पूरा व्हाइट कलर से टैंक दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। एंड इसका जो ओपनर है वो भी ब्लैक व्हाइट कलर से दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है ब्लू कलर से स्टीकर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको जो है हीरो की 3D ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा सही है। एंड उसी के पीछे आपको जो है ब्लू कलर के स्टीकर देखने को मिल जाते हैं, साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो पावर स्टार्ट, यहाँ पे FI का स्टिकर। साथ ही इधर की तरफ आते हैं तो इसके जो सस्पेंशन है वो आपको जो है ब्लैक कलर में दिए गए हैं। अगर ये व्हाइट होते तो देखने में इतने ज्यादा अच्छे ना लगते, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने काफी अच्छा वर्क किया है, यहाँ पे आपको जो है ब्लैक कलर के जो है सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। ग्रैब एरिया की तरफ आते हैं तो पूरी तरह से आपको जो है ग्रैब पैनल देखने को मिलता है यहाँ पे व्हाइट कलर में, और यहाँ पे आपको जो है i3s का ऑप्शन देखने को मिलता है। मतलब इस बाइक में आपको i3s मिलता है और यहाँ पे उसकी जो ब्रांडिंग है वो की गई है। यहाँ पे एक बढ़िया सा आपको जो ग्रैब हैंडल मिल जाता है, एंड सीट का जो कलर है वो सेम रखा गया है। सीट में आपको जो है कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डुअल कलर में दी गई है। यहाँ पे स्टिचिंग देखने को मिल जाती है, इंडिकेटर जैसे उसमें मिलते हैं सेम वैसे मिलते हैं, मतलब कॉस्मेटिक के अलावा इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, सेम वैसी जो प्रोफाइल मिलती है वैसे ही आपको इधर भी मिलती है। एंड यहाँ पे आपको जो है इसका फुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जो कि डिजिटल है, एंड इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। यहाँ की तरफ आपकी जो है USB चार्जिंग भी मिल जाती है, एंड इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो अभी ऑन नहीं हो सकता क्योंकि ये बाइक अभी जस्ट नहीं है, एंड वो देख सकते हैं वो लोड है, वो अभी जस्ट उठता है, तो मैंने इसकी वीडियो बना दी है। यहाँ पे आपको i3s का बटन देखने को मिल जाता है। सो बॉयज, ये था कुछ इस बाइक का क्विक वॉक अराउंड कलर का रिव्यू, एंड होप करता हूँ आपको ये वाला जो कलर है एंड ये वाली जो वीडियो है दोनों ही पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर कर देना कि आपको ये वाला जो कलर है वो कैसा लगा। एंड चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसी बढ़िया बढ़िया सी वीडियोस लेके आता रहता है। एंड इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का हैंडल आपको जो डिस्प्ले पे आ रहा होगा, एंड लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ।